इदा जी जिदा कहते हैं ना कि खोज लोड़ की माँ होंगी है। इस तरह साड़ी दुकान पर एक परिवार आया, वो कहता जी साढ़े बच्चे जो हैल्दी फूड नहीं खाते, बर्गर न्यूडल यह चीज़ा खा खा के बीमार हो जाते। फिर बेटा बड़ा छोटा इतने सी दुकान पर, वो कहना डैडी आप क्यों ना नवी चीज़ बनाई है। मैं देखो की बनाना है। वो असी चुकंदर तो वैसे भी दुकान पर लिया सैलड वास्ते, उस दिन मेथी भी लिया। उन्होंने पीसिया, उन्होंने अलग अलग जूस कढ़िया, उन्होंने आटा गुन लिया। वो बच्चे आए कहना जी अंकल जी असी को वक्री चीज़ खानी अज, परौठे नहीं खाने। पता नहीं की कारण से बच्चे मूड की गल होंगी है। चलो तुहानूं अज ऑर्गेनिक पेपर परोठा खवाने। वो फिर उन्होंने परोठे बनाए, पहली बार परोठा बना के उन्होंने खवाया। वो बच्चों से मतलब इदा का असर होया। अपनी माँ नूं कहते मम्मी सानूं घर भी इदा दे बना के खवाओ। मम्मी कहती मैं कितों बना, ये तो सतनामिया नहीं आना पैना। फिर उतों फिर असी ऑरगैनिक कलर पेपर परोठा शुरू किया। ये चुकंदर के मेथी के जूस के नाल आटा गुनिया जाता, तो वह फिर एक हरे रंग का पीस होंदा, एक लाल रंग का पीस होंदा। और फिर दोवें जो इकट्ठिया करके सेकी दा अलग अलग करी दे, फिर वो दो पीस बन जाते अलग अलग। तुहानूं बना के विखावांगे। बहुत मतलब वधिया चीज़ है। और सब तो वड्डी गल है कोई हैल्दी फूड है। मतलब यह है कि साडी दुकान पर जिहड़ा कस्टमर रोटी खा के जाता, असी महाराज जन रास भी करी दी है। तो वह भी आप भी आन के दसा कि मैं रोटी जो भी खानी शुरू की, मैं थोड़ी कितने बीमार नहीं होया। मतलब इन्ना सिंपल तो सादा फूड असी प्रोवाइड करते हैं कि असी कोशिश यही करते हैं कि यार जो साढ़े को आया ना रोटी खान दुकान पर, वो साढ़ा परिवारक मैंबर है, साढ़ा सिर्फ कस्टमर नहीं है, मैंबर परिवारक मैंबर है। असी उहदी सेहत का भी ध्यान रखना है। इस करके असी नमक मिर्च मसाले बहुत ही घट यूज़ करते हैं, पर जोड़े यूज़ करते हैं वो टॉप क्वालिटी के करते हैं। मतलब आम ढाबे वाले तो पता ही है मोटा लून वरती जाते हैं। मैं टाटा साल्ट यूज़ करता, ठीक है, लाल मिर्च वधिया पिसवा के लेना अपने हथी। उस तो बाद आ जाते हैं मसाले, गर्म मसाला, किचन किंग, मीट मसाला। हालांकि कि साडा काम मीट का नहीं है, पर असी मीट मसाला यूज़ कर रहे हैं। मसाले ने कोई मीट नहीं बड़िया होया, ठीक है ना, वो मसाले यूज़ करते हैं। पर करते मैं उही कंपनी के गोल्डी के कर लवां, कैच के कर लवां, एवरेस्ट के कर लवां, करना वधिया कंपनी। आप हिंदुस्तान के पंजाब के वसनीक हाँ, हर एक चीज़ अंदाजे नाल चलती है। इंग्लिश कंट्री चलता हर एक चीज़ तोड़ के पाओ। उन्हें बोले उन्हें नहीं पता, साढ़े हथ ही बने होंगे। मेरी गल समझो ना, असी मतलब जे चमचा अद्धा पाना पाना अपने आप ही उन्होंने भी पहला जिन्ना कोई डोड़ है कुदरत वाली। जे अं कहना सियाने हैं तोड़ के पाने। इंग्लिश कंट्री चलता भी नमक पाना आटे तो तोड़ के पाना, बिच पानी तो तोड़ के पानी। लो यह कोई काम नहीं। ऑर्गेनिक पराठा तो मैं तो पहली बार सुनया। तो मैनू लगता है ये भी तुसी इहदी कार्ड ते ही कड्डी है। मेरे बेटे ने कड्डी है, सिमरन ने। ओ खोजी पुत्र है मेरा, उही करदा। मैं सगों एक दिन झटकिया और मैं क्या लच्छे परौठे की स्टफिंग नहीं होंदी होंदी। असी कभी सुने नहीं सी लच्छा परौठा, इन्हें कंजर ने उसमें स्टफिंग करती। मैं तुहानूं फोटो दिखाना, मोबाइल हैगी है। पनीर स्टफ करता लच्छे परौठे च, और लोग 85 रुपया दे के जाते एक परौठे दे। देसी घोड़े परोठा बनाया 85 रुपये मेरे आसे बड़ी वड्डी रकम है, लोगों वास्ते भावें कुछ नहीं है। समझ आई मेरी गल? कहना भाव है कि ये उही खोजी है, हला उही करता काम। यह जहा साइंटिस्ट है, खाने का साइंटिस्ट वही है, उन्होंने बड़ा शौक है। और जो भी टाइम मिलता कड़छी फड़ के फ्राई पैन फड़ के अंदर लगा रहना अपने। और एक दिन राड़ा पनीर बनाया, सतनामिया स्पैशल पनीर उन्हें बनाया। समझे नहीं? फिर कदे क्या बाई जी नूं, बाई तू तो खाने का साइंटिस्ट हो गया, नवी नवी काढां कर दिंदा। मैं कहना तू अपनी मेहनत कर, सिख, बाकी उन्हें सिखा, आपे लभ। लच्छा परोठा भी उन्हें बनाया। ये सब तो छोटा ये खान गुस्से गया। ये एक चीज़ मैं जी देखी है, थोड़ा पूरा परिवार लग्या होंदा है ना, खुशी भी बहुत मिलती होनी है कि यार भी सारे असी इकट्ठे मिल के काम कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों के सिर पर ही सारा कुछ मैं बीतिया होया। कल मेरा की है भाई जो मर्जी फुटक जावां, इन्होंने सिर पर ही सारा काम हो। छोटा बेटा मेरा इनू बड़ा शौक है, इनू बहुत शौक है, डैडी इदा करिए, डैडी उदा करिए। मैं सो कहना पुत काले ना पवो, आस्ता आस्ते चलो। हुण साढ़े कोल थां घट गई है, थां घट गई है। असी एक परोठा खोज की बच्चों ने, टिक्की परोठा। टिक्की परोठा वो सर्व टिक्की आंगड़ा कराया जाएगा। प्लेट दे विच टिक्की आंगड़ा उन्हें पीस पा के, उत्ते चटनी छोले दही हरा वगैरह पा के सर्व इदा किया जाएगा। पर बनेगा परोठा, होएगा परोठा, खाओगे तुसीं टिक्की आंगड़ा जी टिक्की परोठा। एक असी परोठा बनाया, अजे चालू नहीं किया जगह करके, जगह घाट हैगी है। उन्होंने कहते जी खंड खोया परोठा। वो खोए का होएगा परोठा, मिठा होएगा, डीप फ्राई किया जाएगा। और सूजी का कड़ा देंगे, सब्जी नहीं देंगे। और सूजी के कड़ा ना परोठा खाओ। मतलब अलग ही चीज़ा ने, पर साडा कोल टाइम थोड़ा उदा नाले जगह है नहीं, वो करके थोड़ा मुश्किल होती है। कितने तरीके के परोठे फिर तैयार करते? 30-35 किस्म के है ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अलग अलग किस्म के। देखो सारा मैन्यू जोड़ा है परोठे ही ने, आ जोड़े आ सारे परोठे ने। चलो महाराज करने वाला असं कौन नवी घाटा क्डिया ने साढ़े को वेला लोग। यह साढ़े गुरजीत सिंह है सामने जवान खड़ा, वो सब ला जाए। ये 2 टाइम रोटी लैन आना मेरे को, 2 टाइम ये आप आ जाए। इदा सीधा गल वखरी ऐसा मैक्सीम मैं फोन आता हूँ कि भाजी मैं आ रहा अंकल जी मेरी रोटी बना के रखो। हाँ जी सारे मेरे को रिपीट करते, बार बार रिपीट करते हैं। मतलब नवा गाहक साढ़े को आता है पर वो बहुत घट्ट। साढ़े को गाहक ऐसे जो लगातार आते हैं, बार बार आते। किन्ने पैसे साहब ने 195 कहना भाव है कि लगातार गाहक चलते हैं। ये नहीं है बई एक गाहक आया जिन्हें उन्होंने लुट लिया मुड़ के नवे गाहक की खोज की। नहीं नहीं मैनू लगता भी गाहक जो एक बार जुड़ गए फिर थोड़े नाल ही जुड़ जाते होंगे। इस तरह भी होंगे, स्वाद का स्वाद भी होंगे तो जी। खुश रहो महाराज, महाराज बहुत दवे आ गया 195 बेटा। तो इस तरह मतलब कहने का भाव वो साडा अपना बन के आउंदा। पढ़ाई बॉय साढ़े को तकरीबन हर रोज़ रोटी लैके जाते हैं तो इन्होंने कोई कहन पुछण की लोड़ नहीं। इन्होंने पता साडा टेस्ट की है, इन्होंने उस हिसाब की चीज़ लै जानी है। इस तरह बहुत सारे कस्टमर ऐसे ने जो तकरीबन हर रोज़ ही आते हैं। सो मैं कई बार पुट्ठा बोल देना वा, पुठी मत का बंदा, पर कस्टमर साढ़े बहुत बीबे ने और हर रोज़ आते रेगूलर आते। मैं मेरे च गलती हैगी है, मैं कई बार गलत बोल देना, पर नहीं कस्टमर मारे नहीं है, कस्टमर बहुत वधिया ने। साडे नाल जुड़े रहन लई साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो और फेसबुक पेज नूं फॉलो।